ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है जिस स्कूल में 800 के आसपास बच्चे हैं, हर क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, हर क्लासरूम में पंखे, यहाँ पर 3 पंखों से 100 से ज़्यादा बच्चों को क्या कितनी हवा मिल रही होगी, ये बच्चे कितना पढ़ पा रहे होंगे, ये आप सभी के सामने। बेटा जब स्कूल में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर जनरेटर कुछ है स्कूल में? यहाँ पे जनरेटर या जनरेटर बेटा है कोई? जी नहीं। नहीं इन्वर्टर है कोई? जी नहीं। जब लाइट चली जाती बिना पंखे के पढ़ते हो? यस सर। कोई इंतजाम नहीं है बेटे? पंखा यहाँ पे बिना लाइट के चलता है? इन्वर्टर है यहाँ पे? इन्वर्टर है बेटे यहाँ पे? इन्वर्टर है बेटा यहाँ पे? नहीं है। तो दिक्कत नहीं होती बेटे आपको? होती है। गर्मी लगती है बच्चों को? यस सर। आपको लगती है? यस सर। कितने बच्चों को लाइट जाने पे गर्मी लगती है, हाथ खड़ा करके बताओ। ये देखिए इन बच्चों के लिए, ये हमारे देश का भविष्य है, भविष्य फिलहाल जमीन पर है। आठवीं तक के बच्चों के कुल 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 4 सब्जेक्ट के टीचर स्कूल में नहीं है। पहला सब्जेक्ट मैथ यानी कि गणित। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत अगली क्लास में माइग्रेट नहीं कर पाएगी। मैथ का टीचर यहाँ पर नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का टीचर यहाँ पर नहीं है। पीटीआई कहते हैं, जब आपको याद होगा योग दिवस होता है, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग कर दी जाती है योग दिवस के नाम पर, लेकिन यहाँ पर योग करवाने के लिए कोई पीटीआई टीचर नहीं है, ड्राइंग का कोई टीचर नहीं है। और इन्वर्टर जनरेटर लगा दिया सरकार ने? सर लगाए हुए हैं, 5-5 इन्वर्टर हैं सर। अच्छा। जिनमें हवा नहीं आती, केवल गर्मी आती है सर। गर्मी आती है। हाँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों का सिस्टम है, ऐसे यहाँ पर बारी बारी बैठते हैं बच्चे, यहाँ पर खाना खाते हैं। और कि स्कूल उनको चौकीदारी के लिए सरकारी तौर पर सिर्फ 1000 रुपया महीना देता है। बाबूजी आना एक बार जरा। चौकीदार भी हूं। कितने पैसे मिलते हैं चौकीदार का? ये स्कूल में 1000 रुपया सारा देते हैं। 1000 रुपया रोज का देते हैं? नहीं जी, महीने का। महीने का 1000 रुपया। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के इंद्री विधानसभा के हलवाना गांव से, हलवाना गांव के सरकारी स्कूल से। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, काम भी सरकारी है, स्कूल भी सरकारी है, और जो कुछ यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है, जो कुछ यहाँ पर टीचर्स को मिल रहा है, वो भी सरकारी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र करनाल है, करनाल एक ज़िला है, और इसी ज़िले के तहत आने वाला ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि हलवाना गाँव में इंद्री विधानसभा क्षेत्र में है, उसके हालत क्या है वो आपको दिखाएंगे। जहाँ पर लगभग 734 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 734 बच्चों के लिए यहाँ पर कमरों की कितनी किल्लत है ये आपको दिखाएंगे, कि कमरों के बगैर बच्चों का जो हाल है वो क्या है, और कितने टीचर यहाँ पर हैं, किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। बातें होती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बातें होती हैं कि पढ़ेगा हरियाणा तभी तो पढ़ेगा हरियाणा, लेकिन हरियाणा को बढ़ाने और पढ़ाने के लिए टीचर जिस स्कूल में नहीं होंगे, जिस सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होंगे, वो हरियाणा आखिर पढ़ेगा कैसे, वो हरियाणा आखिर बढ़ेगा कैसे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये तमाम बच्चे हैं जो कि 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, फिलहाल मिड डे मील के भोजन के लिए ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और इन बच्चों को हर महीने मिलने वाली जो इनके पैसे होते हैं, फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों के पैसे वो भी नहीं मिल रहे। जो पोस्ट है यहाँ पर, मैथ के टीचर की पोस्ट, ड्राइंग के टीचर की पोस्ट, हिंदी सब्जेक्ट के टीचर की पोस्ट, हिंदी सब्जेक्ट क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितना कंपलसरी सब्जेक्ट है। पीटीआई की पोस्ट, ये चारों पोस्ट यहाँ पर खाली है, यानी इन चारों पोस्ट के टीचर यहाँ पर नहीं है। और जो ये बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ज़मीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए क्योंकि इनके कमरों में बेंच नहीं है, इनके कमरों में बेंच इसलिए नहीं है क्योंकि कमरे कम है। कमरे अगर ज़्यादा बन जाएँ तो इन बच्चों को कम से कम पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, कमरे के अंदर आइए और ये देखिए, यहाँ पर कोई बेंच नहीं है। यहाँ पर बेंच इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं। अगर कमरों में बेंच आ भी जाते हैं तो भी उन बेंचों को रखना मुमकिन नहीं होगा। और ये बच्चियाँ, ये बेटियाँ जो यहाँ पर इस समय पढ़ रही हैं, मिड डे मील खाने का जो इंतज़ार है वो कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पढ़ने और खाने के लिए मजबूर हैं। ये हालत है हरियाणा के सरकारी सिस्टम की, ये हालत है हरियाणा के शिक्षा विभाग की। ये वही शिक्षा विभाग है जहाँ पर
बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पोस्टें खाली हैं, यहाँ पर टीचरों का रिक्रूटमेंट कर दिया जाए, लेकिन ना तो बच्चों को पूरे टीचर दिए जा रहे हैं, ना बच्चों को पूरे कमरे दिए जा रहे हैं, और ना ही बच्चों के लिए जो बेंच है वो स्कूल के अंदर है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और बेंच कम है। यहाँ पर पानी पिलाने के लिए कोई भी पीएन मौजूद नहीं है, स्कूल के अंदर कोई हेडमास्टर मौजूद नहीं है, यानी कि हेडमास्टर की जो पोस्ट है वो पूरी तरह से खाली है। एडिशनल चार्ज ज़रूर सरदार सिंह जी को दिया गया है, लेकिन पोस्ट खाली है। टीचर्स यहाँ पर चाहिए, टीचर्स भी यहाँ पर नहीं है। कमरे यहाँ पर बनने चाहिए, कमरे भी यहाँ पर नहीं है। और देखिए बच्चे कितने ज़्यादा हैं, यानी अमूमन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कमरे बहुत कम हैं, और इन बच्चों को इस तरह से गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल है। अगर ये हालत नहीं होगी तो आखिर कोई कैसे कहेगा कि ये सरकारी स्कूल है? अगर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे लगेंगे तो कौन कहेगा कि प्राइवेट स्कूल है? हमारे साथ करनाल वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी हैं। बलविंदर जी, इस स्कूल को देखकर लगता है कि वाकई ही सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं। सरकार कहती है हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिए, स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, प्रोजेक्टर लगा दिए, स्मार्ट स्क्रीन लगा दी, यहाँ पर तो ना इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, ना पानी पिलाने के लिए आया है। ये बच्चे आखिर किसके हाल पर छोड़ रखे सरकार? ऐसे है कि जब हमें भी पता लगा था इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि ये स्कूल मात्र 1.5 कनाल के अंदर स्कूल है और 800 बच्चे हैं। टूड़े की तरह, जैसे टूड़े वाले कोठे में टूड़ा डाला जाता है, ऐसे बच्चों को भरा गया है। और ये सारे बच्चे कुछ यहाँ पे बेंच हैं, तो जब इनसे पूछा गया कहते बेंच तो हैं लेकिन बेंचों पे बच्चे आ ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 2 किले जगह चाहिए इतने बच्चों को बैठने के लिए। मात्र 1 कनाल है, 1 किले का 8वां हिस्सा। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी 800 बच्चे, गांव वालों ने बताया कि 800 बच्चे यहां पे नहीं है, यहां बच्चे 2000 हैं, लेकिन 2000 बच्चे बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ होने के कारण पहली से 8वीं तक का स्कूल है, पहली से 8वीं तक के भी इधर उधर एरिए में सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल गरीब लोग हैं और गरीब लोगों के कारण ये प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, और ऐसे बुरे हालात यहाँ पैदा हो गए हैं। मैं हमेशा इसी बात के लिए कहता हूँ, हमारी पार्टी भी कहती है कि एजुकेशन के लिए किया क्या? अगर सरकारी ज़मीन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ 30 से 40 किला, जमुना के किनारे के ऊपर ये गांव है, 30 से 40 लाख का 1 एकड़ मिल जाता है। अगर 2.5 एकड़ भी खरीदें तो 1 करोड़ में 2.5 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मिल जाती है। तो सरकार जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश का फ्यूचर ये बच्चे हैं, उनके लिए क्या कर रही है? दूसरी बात यह है कि यहाँ 4 सब्जेक्ट, 7 या 8 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, उसमें 4 सब्जेक्टों के टीचर ही नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, यहाँ पे जनरेटर नहीं है, और पानी पिलाने के लिए कोई पीएन नहीं है। क्या हालात होंगे यहाँ पे? इन हालातों के बारे में हम बोलते हैं। आपने देखा शहर के नज़दीक हर कोई कवरेज कर लेता है, लेकिन आपकी हिम्मत है कि शहर से 30-35 किलोमीटर दूर आके कवरेज कर रहे हैं? यहाँ असली हालातों का पता लगा है, क्योंकि शहर के नज़दीक उनको डर होता है कि चलो जी मीडिया जल्दी आ जाएगा, यहाँ मीडिया वाले पहुँच नहीं। अफसरों का तो डर ही नहीं है, अफसर क्या करेंगे? अफसरों का तो डर ही नहीं है, सरकार को डर नहीं है, मीडिया का डर नहीं बचा, किसी विपक्ष के नेता का डर नहीं बचा, क्योंकि इनको शर्म हया नहीं है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि स्कूल और एजुकेशन सेंटर ख़त्म हो चुके हैं और बहुत बुरे हालात हैं। हमारा देश किस ओर जा रहा है ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। ये बताओ, ये जो अगर हम बात करें प्लानिंग की, गवर्नमेंट को, सरकार को पता लगा कि अब जो विधायक है 2025 में 26 में पर दोबारा एक बार फिर से सर्वे होना है, और शायद जो हरियाणा की सीटें अभी ये 90 से बढ़कर शायद 126 बताया जा रहा है कि हो जाएंगी, उस हिसाब से भी हमें विधानसभा चाहिए, नई विधानसभा बना दो, क्योंकि सीट, अगर विधायक के बैठने के लिए सीट नहीं होगी तो छोटी विधानसभा का करेंगे क्या? अब जब बच्चों के बैठने की सीट नहीं है तो फिर छोटे स्कूलों को बड़ा स्कूल क्यों नहीं किया गया? अगर इनको अपग्रेड टाइम से कर दिया जाता, कांग्रेस वाले तो सारे करप्ट थे, उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं था, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो ईमानदार थे, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। इसकी प्लानिंग कर देते अभी तक, जगह बड़ी लेते, कमरे ज्यादा बनाते, बच्चों के बैठने के तो सिस्टम बनाते कम से कम। यहाँ 2 प्लान आसानी से हो सकते थे, या तो 2.5 किले जमीन खरीद के वहाँ पे 2.5 किले में प्लस टू का स्कूल हो जाता है अपग्रेड, यहाँ पे स्कूल ही प्लस टू का चाहिए। पहले तो ये दुर्भाग्य है कि स्कूल 8वीं तक का है, यहाँ पे इतने बच्चे होने के बाद स्ट्रेंथ के हिसाब स्कूल प्लस टू का होना चाहिए था,
प्लस टू के स्कूल के लिए 2.5 किले जरूरी हैं, और 2.5 किले लेने में मात्र 1 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होगा। दूसरी बात, अगर किसी वजह से किले नहीं ले पाते तो इनकी प्लानिंग कुछ नहीं है, मकान बनाती हैं, एक नाल जमीन है, इसमें जब मकान बनाए तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए। अंग्रेजों ने जब पुल बनाए थे, पुलों की वो 1000 साल की प्लानिंग लेके चलते थे, तो क्या इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये जगह हमारे पास कम है, नीचे मकान ऐसे मजबूत बनाए जाए ताकि इसके ऊपर 3 मंजिली स्कूल बन जाए। अगर इसके ऊपर 3 मंजिली स्कूल भी बन जाता तो भी हमारे बच्चों को यहाँ से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता। अगर दूर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन गांव में 8वीं का स्कूल होने के बावजूद स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण 800 बच्चे यहाँ हैं और नहीं आ सकते, तो इतने ही बच्चे और यहाँ से अब पहली से लेकर जो 8वीं तक सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार की नीतियों का पतन हो चुका है, और आगे सरकार, सबको पता है कि सरकार सरकारी स्कूलों को ख़त्म करना चाहती है, वो चाहती ही नहीं कि गरीब पढ़े, वो गरीबों को अनपढ़ रखना चाहती है, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखना चाहती है। दूसरा कारण मैं ये बताता हूँ कि इन्होंने एक नीति नई लेके आए हैं कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो सरकार आपसे 500 रुपया पर बच्चे के हिसाब से लेगी, अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे तो 1100 रुपये पर बच्चे के हिसाब से सरकार बच्चों को देगी। तो ये लालच ऐसा लालच है जैसे लोगों को चूल्हा छुड़वा के सिलेंडर दिए गए थे, घर घर सिलेंडर बांटे गए थे फ्री में, आज वो सारी सब्सिडी खत्म करके आज सिलेंडर 1050 से लेकर 1100 रुपये का पब्लिक को मिल रहा है। पब्लिक रो रही है क्योंकि चूल्हे की आदत वो छोड़ चुकी है और सिलेंडर के भरवाने के उनके पास पैसे नहीं है। वही कारण है जब ये प्राइवेट स्कूलों में सारे बच्चे 1100 के नाम से आकर्षित होकर चले जाएंगे तो साल दो साल इनको 1100 रुपये दिए जाएंगे, तब तक इन सरकारी स्कूलों का पतन कर दिया जाएगा, टीचरों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये हवाला दिया जाएगा कि यहाँ स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। जब स्ट्रेंथ पूरी नहीं होगी तो सारे टीचर चले जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। जैसे ही सरकारी स्कूलों का पूरी तरह से पतन हो जाएगा फिर ये 1100 देना भी बंद कर देंगे, फिर ये कहेंगे जी ठीक है दूसरे बच्चों से हम 5000 लेते हैं तो आप हमारे को 2500 दे दो। जब लोगों को 2500 देने की आदत पड़ जाएगी फिर कहेंगे जी आपको हम सब्सिडी क्यों दें। तो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, गरीबों का पतन करना चाहते हैं, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी ही पहली सरकारों की नीतियाँ थी, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल इलाज ही कर दिया सारे गरीबों का तसल्ली से। दूसरा ये क्यों हुआ, क्योंकि धर्म और जाति की दुकान इन बीजेपी वालों की बहुत सस्ती चल रही है, इसीलिए उनको पता है कि गरीब लोगों को बहकाएंगे, हमारे देश के भोले भाले लोग धर्म के नाम पे जल्दी बहक जाते हैं, जाति के नाम पे जल्दी बहक जाते हैं, उनको जाति और धर्म के नाम पे बहका के इनकी दुकान सस्ती चल रही है, तभी ये लोगों के काम नहीं करते। पहले नेता आते थे गाँव में, वहाँ पे लोगों से वोट मांगते थे, लोग कहते थे हमें ये सुविधा चाहिए, अब तो ये गांव में वोट मांगने भी नहीं आते क्योंकि धर्म और जाति की दुकान इनकी सस्ती चल रही है और आईटी सेल पे पूरा जोर दे के लोगों को अंधा करके वोट ले रहे हैं। यही कारण है। हरियाणा के सिस्टम का बेड़ा गर्क आप देखिए कि किस तरह से हुआ है। हरियाणा का शिक्षा व्यवस्था, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको देखना चाहिए। हमारे जो मंत्री हैं वो विदेशों में जाते हैं, क्या कहकर जाते हैं कि हम विदेशों में देखने जा रहे हैं कि विदेशों में एजुकेशन का सिस्टम क्या है, सेम एज इट इज हम हरियाणा में लागू करेंगे। ये सिस्टम लागू कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, जात बिरादरी के ऊपर पूरे का पूरा जो वोट बैंक है वो पूरा चल रहा है। बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा है आप देखिए कि इस पूरे कॉरिडोर के अंदर बच्चे खाना खा रहे हैं, गर्मी का समय है, एक भी पंखा यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ पर इन्वर्टर है, ना यहाँ पर बिजली है, और एक शख्स जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा आपको हैरानी होगी कि स्कूल उनको चौकीदारी के लिए सरकारी तौर पर सिर्फ 1000 रुपया महीना देते। बाबू जी आना एक बार जरा, 15 साल हो गए हैं इन्हें चौकीदारी करते हुए, कितने पैसे मिल रहे हैं, 1000 रुपये महीना, 30 दिन से उसको डिवाइड करें तो 3300 रुपये दिन के। बाबू जी क्या नाम है आपका? इंदर सिंह है जी। कहाँ रहते हो आप? हलवाना गांव में। इसी गांव में, इसी स्कूल में चौकीदार भी हो? चौकीदार भी हूं। कितने पैसे मिलते हैं चौकीदार का? ये स्कूल में 1000 रुपया सारा देते हैं। 1000 रुपया रोज का देते हैं? नहीं जी, महीने का। महीने का 1000 रुपया? महीने के तो बाबू जी आजकल खर्ची बच्चे 1000 रुपया नहीं लेते, आप तनखा ले रहे हो? मजबूर हूँ जी मैं, फिर और क्या करूँ, ना तो छोड़ने जो। कितने पैसे होने चाहिए वैसे आपके हर महीने कम से कम? कम से कम हर महीने होने चाहिए 10 तो होने चाहिए, 10000 मिलने चाहिए। 1000 मिल रहा है चौकीदारी का, यानी आप समझिए कि जिस चौकीदार को
1000 रुपए सुरक्षा के लिए दिए जाएंगे कि पूरे स्कूल की जो सुरक्षा है वो आपने संभालनी है। 1000 रुपए महीने में वो बेचारे चौकीदार क्या करेंगे अपने लिए, उनको गनमैन चाहिए, बड़े बड़े AK-56 AK-47 रिवॉल्वर वाले जो तमाम गार्ड्स हैं, हर मंत्री को, हर नेता को, मुख्यमंत्री को वो चाहिए, लेकिन इन स्कूल के बच्चों के लिए और स्कूल के लिए 1000 रुपए महीने में इनको रखा गया। ये चौकीदार है हमारे से सुभाष कोच है। सुभाष जी, शिक्षा का इतना जनाजा तो मैंने तो कभी नहीं देखा निकला हुआ, आपने देख लिया कि नहीं? देखो ये छोटे छोटे बच्चे गर्मी में भी खाना खा रहे हैं, और ये सब लोग SC कम्युनिटी के बच्चे हैं, और ये सरकार SC कम्युनिटी को दबाना चाहती है, ये इनकी प्लानिंग है। ना कोई इन्वेटर है, ना कोई पंखा है, ना कोई यहाँ पे टीचर है, ना कोई जनरेटर है, और चौकीदार भी SC कम्युनिटी का, उसको भी ये जो मोर लगाती है जाति देख के मोर लगाती है। BJP ने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया। मैं ये कहता हूँ कि मनोहर लाल जी खट्टर साहब, आप पे ये सिस्टम नहीं चल रहा था, आपको रिजाइन देकर चला जाना चाहिए। ये देखो आप बात है, कह रहे हैं कि रिजाइन देकर चले जाना चाहिए, और टीचर सुनिए, स्कूल में जो 8वीं तक के बच्चे हैं, सुनने वाली बात है, 8वीं तक के बच्चों के कुल 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 4 सब्जेक्ट के टीचर स्कूल में नहीं है। पहला सब्जेक्ट मैथ यानी कि गणित। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत अगली क्लास में माइग्रेट नहीं कर पाएगी। मैथ का टीचर यहां पर नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का टीचर यहां पर नहीं है। PTI कहते हैं, जब आपको याद होगा योग दिवस होता है, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग कर दी जाती है योग दिवस के नाम पर, लेकिन यहां पर योग करवाने के लिए कोई PTI टीचर नहीं है, ड्राइंग का कोई टीचर नहीं है। और गांव के ये तमाम लोग आप यहां पर देख रहे हैं, भाई साहब जो मैंने बातें बोली कुछ गलत लगी आपको? सही बात है जी, जो बात आपने कही सही बात है। तो यहां टीचर नहीं होने चाहिए पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए टीचर होने चाहिए, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे जी। कमरे चाहिए जी, कमरे भी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नींबू सिंह है जी। नींबू सिंह है, इनका नाम नींबू सिंह है। और कमाल की बात देखिए क्या कह रहे हैं कि ना टीचर है, ना यहाँ पर कमरे हैं, ना इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, और आप समझिए क्या नाम है? मेरा नाम सर सरवन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का हूँ। आपका सरवन सिंह नाम है जी? सरवन, सरवन भाई नाम तो है यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया, सरदार सिंह, नीपू सिंह, सरवन सिंह, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा का मजाक बना हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका स्वागत करता हूँ पूरे गाँव की तरफ से, जो आप इतनी दूर से अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आप हमारा यहाँ पर लाइव कवरेज करने के लिए आए हो। और मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा सर कि 8वीं तक का स्कूल है, यहाँ पर 800 के करीब बच्चे हैं और कमरे सिर्फ 8 हैं, और 8 कमरों में 2 तो लगभग ऑफिस के लिए यूज किए जाते हैं, और आप देख ही रहे हो, लाइव देख ही रहे हो, कुछ एक आधा कमरा मिड डे मील के लिए भी है। और सर हमारे गाँव के बच्चों से, हमारे गाँव के बच्चों द्वारा जो आस पास के 4 गाँव हैं उनके स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। हमारे गांव से बद्रपुर का स्कूल चलाया जा रहा है, हमारे गांव के बच्चों से सिकंदरपुर का स्कूल चलाया जा रहा है, हमारे गांव से बीबीपुर का स्कूल चलाया जा रहा है, कलसौरे के स्कूल चलाया जा रहा है। यहां के बच्चे सब जगह पढ़ते हैं जी? यहां के बच्चे, यहां के बच्चे 300-350 के करीब बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये सारा कारण इसी बात का है कि यहाँ पर कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जगह बहुत कम है। आप प्रांगण देख लीजिए कि इतने बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, या कोई ऐसा वृद्ध आश्रम नहीं है, पंचायत घर नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। SC गांव है, सिकलीगर बरादरी यहाँ पर रहती है सर। एक बात बताओ श्रवण भाई, SC कोटे में तो करोड़ों अरबों रुपए का बजट है सरकार के पास, पैसा कहाँ जा रहा है सारा? ये सर बजट तो है जरूर कागजों में, ये सब सरकार जब्त कर रही है। हमने गाँव के सभी पंचायत के जो मौजूद बंदे हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को भी लेटर लिखा है, कई बार उनसे भी गुजारिश लगाई है, लेकिन महज एक आप कह सकते हैं कि लारा लगा दिया जाता है यहाँ पर कोई। अच्छा, शिक्षा की तरफ बताओ, जब से 2019 के चुनाव हुए हैं सांसद और विधायक यहाँ पे कितनी कितनी बार आए आज तक? सांसद संजय भाटिया आपके और विधायक आपके रामकुमार कश्यप, कितनी कितनी बार आए हैं? सर सांसद की तो कहें तो अभी तक हमने गांव में किसी ने भी देखा नहीं, कि किसी ने शक्ल नहीं देखी कि है कौन। गूगल में सर्च कर लो। हाँ बस सर्च तो करेंगे ही जी, और क्या करेंगे। और जो रामकुमार कश्यप जी हैं MLA साहब हमारे, वो कभी कभार वो भी आ जाते हैं गांव में, लेकिन आने का क्या फायदा जब गांव की कोई समस्याओं का हल ही नहीं है।
वैसे तो शिक्षा को सरकार पूरा जोर दे रही है, लेकिन यहाँ गांव में आप हालात देख सकते हैं, जो गांव के सारे युवा हैं ये सब स्कूल छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि इनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ से नजदीकी कॉलेज कितना दूर है? कॉलेज यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है सर। 15 किलोमीटर? हाँ जी, 15 किलोमीटर दूर है। याद होगा क्या कहा था कि हर 2 या 3 गांव में एक कॉलेज बनाएंगे, 15 किलोमीटर दूर है। या तो अब दूसरा गांव 15 किलोमीटर दूर है या कॉलेज 15 किलोमीटर दूर है। आप यहां पे जॉब करते हो जी? ना जी, जॉब नहीं। आप जॉब नहीं करते? और बहू जी ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चों का सिस्टम है, ऐसे यहां पर बारी बारी बैठते हैं बच्चे, यहां पर खाना खाते हैं। और ग्राउंड दिखाइए एक बार, सिर्फ ये ग्राउंड है बच्चों के लिए, लगभग 800 बच्चों के लिए ये ग्राउंड है। अब समझिए कि लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मजबूरी में पढ़ाते हैं, मजबूरी में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, सरकारी सिस्टम किस तरह से यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह है जी। कहाँ, कौन से गाँव है ये? इसी गाँव से हूँ जी। क्या नाम है गाँव का? सर डेरा हलवाना के नाम से है। लेकिन ये बताओ छोटे भाई क्या नाम बताया? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत भाई, ये जो हमने बातें बताई हैं, पहले तो ये बताओ झूठ कितनी है, क्योंकि लोग कई बीजेपी के जो समर्थक है वो कहेंगे जी ये तो झूठ बोल रहे हैं सारा। सर जो भी आपने सच्चाई बताई है इस चैनल के माध्यम से वो 100% बिल्कुल करेक्ट बताई है आपने। आज से पहले कोई मीडिया आया है यहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं आया। अब बताओ कि जो लोगों का ये जनाजा निकला हुआ, देखिए जो बच्चे हैं छोटे, इन बच्चों को तो कुछ नहीं पता, इनको तो और छोटे कमरे में डालोगे वहाँ भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे? जब मोदी जी की बातें सुनते हैं टीवी पे, मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री की बातें सुनते हैं, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि शायद हरियाणा जैसा कोई प्रदेश नहीं है, लेकिन स्कूल को देखकर लग रहा है कि वाकई हरियाणा जैसा कोई प्रदेश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है सर आपने। सर आप एरिया देख रहे हो स्कूल का, अगर देखा जाए तो इतना एरिया केवल खोला मैदान होना चाहिए बच्चे को खेलने स्पोर्ट्स के लिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। तो इसमें आप ये देख लो, इसी में कमरे हैं, इसी में अब आपकी एक गाड़ी आई है, से केवल गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है, उसके लिए आप देख रहे हो बच्चे आराम से इधर उधर जा नहीं पाते। कभी कहते हैं गली कम है, जैसे बैठने की जगह कम है, आप देख रहे हो सब लगभग 4 क्लासें बरामदे में बैठी हैं। ठीक है सर, तो सर अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, JBT कर रहा था मैं, ठीक है, तो HBSC बोर्ड से एक एक हफ्ते की हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, 3 बच्चे थे सर यहाँ से। उसके दौरान क्या हुआ सर, एक हफ्ते में हमें क्या देखने को मिला, एक तो कमरों की बिल्कुल कमी, बहुत ज़्यादा कमी, दूसरी बात जैसे पंखों की कमी, ठीक है, बच्चों का पढ़ाई। जनरेटर लगा दिया सरकार ने? सर लगाए हुए हैं 5 जनरेटर हैं सर। अच्छा, जिनमें हवा नहीं आती, केवल गर्मी आती है सर। गर्मी आती है, हाँ। दूसरी बात सर, आप ये हाल देख लिए, बच्चे इस गर्मी में पढ़ाई करेंगे या गर्मी अपनी पहुंचेंगे? और ये तो कॉरिडोर में पंखा भी नहीं है कोई सर। बिल्कुल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेते हैं भाई, कभी ऐसा ना हो कि हमारा कैमरा उनको कैच ना कर पा रहा हो। यहाँ पे अभी बच्चे खाना खा रहे थे, ये देखिए बच्चे यहाँ पर अभी खाना खा रहे थे, और यहाँ पर एक भी यहाँ पर पंखा नहीं है। और बच्चे दिखाइए, ये देखिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ रहा है ये अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा नज़दीक आइए जल्दी। और ये देखिए, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, जिस स्कूल में 800 के आसपास बच्चे हैं, हर क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, हर क्लासरूम में पंखे, यहाँ पर 3 पंखों से 100 से ज़्यादा बच्चों को क्या कितनी हवा मिल रही होगी, ये बच्चे कितना पढ़ पा रहे होंगे ये आप सभी के सामने। बेटा जब स्कूल में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर जनरेटर कुछ है स्कूल में? यहाँ पे जनरेटर या जनरेटर बेटा है कोई? सजी नहीं। नहीं, इन्वर्टर है कोई? सजी नहीं। जब लाइट चली जाती है बिना पंखे के पढ़ते हो? यस सर। कोई इंतजाम नहीं है बेटे? पंखा यहाँ पे बिना लाइट के चलता है? इन्वर्टर है यहाँ पे? सजी नहीं। इन्वर्टर है बेटे यहाँ पे? इन्वर्टर है बेटा यहाँ पे? नहीं नहीं है। तो दिक्कत नहीं होती बेटे आपको? सजी होती है। गर्मी लगती है बच्चों को? यस सर। आपको लगती है? यस सर। कितने बच्चों को लाइट जाने पे गर्मी लगती है, हाथ खड़ा करके बताओ। ये देखिए, इन बच्चों के लिए, ये हमारे देश का भविष्य है, भविष्य फिलहाल जमीन पर है, तारे आसमान में है, और पंखे जो बिना बिजली के यहाँ पर चलते नहीं, क्योंकि ना तो इन्वर्टर है और ना ही जनरेटर है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के इंद्री के गांव हलवाना, डेरा हलवाना से आपने तमाम तस्वीरें देखी, और शिक्षा मंत्री का घर यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस।
हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं और हालात आपके सामने। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र 40 किलोमीटर है और 40 ही किलोमीटर यहाँ से शिक्षा मंत्री जी का निवास है और हालात आपके सामने है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबीपी 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, इंद्री के गाँव डेरा हलवाना से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।